मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं लर्न इन्वेस्टमेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बैंक का स्टॉक लेकर आया हूं, जो कि एक बैंक सेक्टर से है। एक बहुत ही पैनिक कंपनी है, बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। आज रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो सकता है। तो फटाफट चलते हैं स्क्रीन वेबसाइट पर, जानने की कोशिश करते हैं कंपनी का नाम और कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो कंपनी का नाम है येस बैंक। तो येस बैंक जो कंपनी, अगर इसका करंट प्राइस देखेंगे तो 15 रुपये करंट प्राइस है, बुकिंग प्राइस 13 रुपीज़ का है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और स्टॉक का पी जो की है थोड़ा सा अपने प्राइस से, अगर आप बात करें कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, थोड़ा सा प्राइस से ज़्यादा ऊपर चल रहा है। बट लेकिन ये अभी रिसेंटली में हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, हम इसके लिए बात करेंगे। ये बात है सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए, कि 2 महीने या 1 महीने के अंदर ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 3 महीने में ये हमारे टारगेट को अचीव कर सकता है, इसीलिए मैंने इस स्टॉक को आपके लिए पिक किया है। मेरी कोई रिकमेंडेशन है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर समथिंग 3 टर्म्स रिकमेंडेशन आई एम गिविंग टू यू। तो अभी हम चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे, और यह प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट। और रिवेन्यू अगर बात करें 2011 से लेके 4000 करोड़ से लेके 2017 में 16000 करोड़ का दिया, धीरे धीरे 2019 पे आप देखिए 29 जो कि ऑल टाइम हाई था, उसके बाद कंटिन्यूसली 2021 में आप देखो थोड़ा सा कम 20000, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 19000 करोड़ का है। इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट्स की, तो कंपनी के पास रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व कंपनी के पास 19000 करोड़ का है, यहाँ पे बढ़ के 28000 और यहाँ पे 28731 करोड़। तो यहाँ पे जो रिजर्व है वो बढ़ा है, बट बोरोइंग भी थोड़ी सी कम हुई है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे कंपनी अपना जो रिजर्व पैसा है वो थोड़ा बढ़ा रही है, जैसे कि और लोन दे सके और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सके। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर अगर आएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के 0 हो चुके हैं, यानी कंपनी के पास खुद का कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। कंपनी एफआई की बात करेंगे तो यहाँ पे एफआई ने थोड़ा सा पैसा हमेशा की तरह बढ़ाया है, यहाँ पे 8% था, यहाँ 8.17, यहाँ ऑलमोस्ट 11, यहाँ पे 11.37%, यानी कि एफआई ने पैसा बढ़ाया, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में एक अच्छा उछाल आया होगा। डीआई की अगर बात करें तो डीआई के पास पहले 45% था, अब धीरे धीरे 45, 44 और 43.9, यानी कि ऑलमोस्ट 44% है। पब्लिक हाउस शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा कम हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम एफआई की बात करें तो एफआई के थ्रू हम चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट क्या कहते हैं। तो अगर मैं चलूँ येस बैंक की तरफ, और ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ इसके लो को, तो यहाँ से फटाफट चलते हैं। और यहाँ पे अगर होल्डिंग्स लाइंस की बात करें, ओरिजेंटल लाइन ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, और अगर ये 1 वीकली का चार्ट है देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये इस रेंज पे अभी चल रहा है। तो अगर ये हर जो कैंडल है वीक की है, और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे अपना टारगेट ढूंढने की, तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आप देखेंगे एक कप एक हैंडल बन रहा है, तो कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ से अगर हाईलाइट ब्रश लूँ, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है कप और ये रहा इसका हैंडल। तो ये कप विथ हैंडल एक पैटर्न बना है, जिसका कि ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देखिए, ये रिटेस्ट हुआ 2 बार और दोबारा रिटेस्ट हुआ है। ये मार्केट पे एक प्रेशर बना है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो ये वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम बहुत कम है, बट लेकिन कंटिन्यूसली नीचे आया है, बट वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि आने वाले टाइम पर वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, और जो एफआई ने यहाँ पर पैसा लगाया है एक नया अपसाइड बूफ दे सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है बाइंग के लिए, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो अगर आप देखोगे तो वीकली जो कैंडल है इसको हम रिमूव करते हैं कोई, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बाइंग की मूवमेंट बनी है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अपसाइड मूव दिया था और यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल दी थी और दोबारा रिटेस्ट किया, दोबारा यहाँ अभी रिटेस्ट करने आया है। तो यहाँ पे एक आप पोजिशन बना सकते हो, मुझे लगता है यहाँ से एक दोबारा अपसाइड मूव देगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। आप देखोगे अप्रैल में इस रेंज पे था 2021 के, और आज सितंबर 2022 आ चुका है, तो सेम रेंज पे है, एक साल का ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितना हमारा टारगेट बन सकता है, यहाँ से हम प्राइस रेंज को लेंगे और इसके डेप्थ से हैंडल के अपसाइड में सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। तो यहाँ प्लेस करने के बाद हमारा जो टारगेट बनता है 30% का गेन मिलता है। ये जो गेन है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म गेम है, यानी कि 1-2 महीने में ही आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस निकल के आता है 20.25 पैसा और 15.50 के आसपास बाइंग। तो यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो आपको 30% का गेन मिल सकता है 2 से 3 महीने के अंदर, जो कि एक ब्रेकआउट के टर्म्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो यही मेरी रिकमेंडेशन है। थैंक यू और बाय।